हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने एक फैसला निकाला है जिसमें 9वीं और 10वीं कक्षा में डोगरी पढ़ना जरूरी है, तो कश्मीर में कश्मीरी भाषा को तवज्जो दिया जा रहा है। और इसी फैसले से नाराज होकर सिख कम्युनिटी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और कहा कि जो बच्चे शुरू से पंजाबी पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए ये फैसला बेहद गलत है, सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है और जम्मू कश्मीर में डोगरी और कश्मीरी भाषा को ही तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस फैसले को जल्द से जल्द रद्द कर दे तो अच्छा रहेगा, वरना वे प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक आर्डर निकाला गया है जिसमें 9th और 10th में डोगरी जम्मू रीजन में है और कश्मीरी कश्मीर रीजन में और बोधी लद्दाख रीजन में 9th और 10th में कंपलसरी की जा रही है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि अगर 1st से लेके 8th तक पंजाबी लैंग्वेज जो पढ़ेगा वो 9th और 10th में क्या करेगा, फिर आगे कॉलेज में जाके क्या करेगा, क्या ये सेल्फ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है?